सुनो, ये जानवी को तो मैं होटल से निकाल चुकी हूँ ना। यहाँ क्या कर रही है? मैम वो अपना प्रोविडेंट फंड निकालने का एप्लीकेशन देने आई है। अटेंशन एवरीवन, प्लीज एवरीवन जस्ट कम हियर। इस होटल की सीईओ और आप सबकी बॉस होने के नाते मैं आप सबको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ, इसीलिए ध्यान से सुनो और ब्लडी सीखो। जिंदगी में चाहे कुछ भी बनो लेकिन इस जानवी की तरह बेवकूफ मत बनो। और नहीं तो क्या? अरे आप सबको पता है जानवी ग्वालियर के सबसे नीच और कमीने इंसान सदानंद साधु से शादी करने वाली थी। वैसे जानवी, तुम्हें इंसान को परखना आता ही नहीं है, बहुत भोली हो तुम, पर साथ में बदनसीब भी। मुझे तो पूरा यकीन है कि पहले भी इसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा, किसी बेकार से इंसान के चक्कर में फंस गई होगी जिसकी वजह से इसे बच्चा हुआ। बस वो इंसान भी इसे बेवकूफ बनाकर गायब हो गया और ये रह गई बेचारी अकेली बिन बाप के बच्चे के साथ। एक मिनट रहना मैम, बस कीजिए। So sad. जानवी जी अभी के अभी बुंदेला स्कूल पहुंचे। आपका वो भाई पुष्कर चलाकी से कियान को बुंदेला स्कूल ले गया। अगर कियान को पता चल गया कि वो स्कूल से निकाला जा चुका है वो टूट जाएगा। जानवी जी प्लीज जल्दी पहुंचे, प्लीज अभी के अभी। सबको बात समझ अब। हाँ तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपना।